गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश टू। लेसन नंबर है 16 टेंसेस। ओके, तो देयर आर थ्री मेन टेंसेस, व्हिच आर दे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, एंड उसके भी काइंड्स जो हमने लर्न किए, सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। ओके, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लर्न करेंगे परफेक्ट टेंस, तीनों के तीनों परफेक्ट। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तीन टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में हमें क्या याद रखना है? तीनों के तीनों में क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों के तीनों, इसमें से हमने तीनों के सिंपल टेंस लर्न कर लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। हो गया हमारा। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूअस टेंस के भी वर्ब और सब देखे, एक्सरसाइज भी देखी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एम इज आर प्लस वर्ब आई एन जी, इसमें वाज वेयर प्लस वर्ब आई एन जी और इसमें शैल बी, विल बी प्लस वर्ब आई एन जी। ओके, आज हम जो सीखेंगे तीनों के तीनों परफेक्ट टेंस सीखेंगे तीनों। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में आज हम क्या सीखेंगे? तो तीनों के तीनों परफेक्ट टेंस है, उसके हम वर्ब्स देखेंगे सबसे पहले। ओके, वर्ब कौन कौन से है? इसमें वर्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे? जो सिंपल टेंसेस थे उसमें हमने डू के, है ना, डू के वर्ब्स यूज किए। इसमें हमने क्या यूज किया? कंटिन्यूअस में एम इज आर के, यानी कि टू बी के फॉर्म्स यूज किए, और परफेक्ट टेंस में टू हैव के फॉर्म्स, टू बी के फॉर्म्स कौन कौन से थे? तो एम, इज, आर, पास्ट में हमने वॉज और वेयर, और फ्यूचर में हमने क्या यूज किया? विल, सॉरी बी, यानी कि विल के साथ बी, तो विल बी, सेल के साथ भी बी यूज किया, सेल बी, बीन है, बीइंग है, वो सब बी के फॉर्म्स है, टू बी के। परफेक्ट टेंस में टू हैव के फॉर्म्स यूज होते हैं, हैव या हैज, और पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव या तो फिर शैल हैव। ओके, यानी शैल विल हैव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ जो आपको रीड करने हैं। स्टडी द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, आई हैव प्लेड द गेम जस्ट नाउ। Thank you.
सेकंड सेंटेंस है आई हैड प्लेड द गेम before he came. Long before 7 o'clock. Okay, तो यहाँ पे हम देखें तो जो verbs है वो क्या है have played, यहाँ पे had played और यहाँ पे sell have played. Okay, तो पहला क्या होगा I have played the game just now. तो मैंने गेम है वो अभी अभी खेल ली है ना. कोई भी एक्शन है वो आपने प्रेजेंट में अभी अभी जस्ट अभी ही कंप्लीट किया हो, फिनिश किया हो, तो हाँ वहां पे हम सिंपल परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ओके, प्रेजेंट में आपने कोई भी एक्शन जस्ट अभी ही खत्म किया है वो शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. जैसे कि आपको कोई पूछे, समझ लो ना, घर पे आप अभी चाय पी के ही या मिल्क पी के ही बैठे हो और आपको आपकी मम्मी पूछे कि तुम मिल्क पियोगे, तुम टी पियोगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैंने तो अभी ही जस्ट अभी ही चाय मैं पी के ही बैठा हूँ, है ना. तो आपको होमवर्क मिला हो, होमवर्क आपने अभी अभी खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया और आपके पेरेंट्स आपको पूछे क्या तुमने होमवर्क किया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मैंने जस्ट अभी ही अपना होमवर्क है वो कंप्लीट किया, अभी ही मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करेंगे? तो कोई भी एक्शन प्रेजेंट में जस्ट अभी ही फिनिश हुई हो, खत्म हुई हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. दूसरे सेंटेंस में देखें तो आई हैड प्लेड द गेम बिफोर ही केम, वो आया उससे पहले हमने गेम खेल ली थी, है ना. पास्ट में कोई एक्शन हुआ उससे पहले ही दूसरा एक्शन हो चुका था. ओके, लेकिन कब? पास्ट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में नहीं. ओके, आप ऐसा बोलो कि यस्टरडे आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो उसके पहले ही आपने खाना खा लिया था, है ना. तो हमारे घर पे गेस्ट आए उससे पहले ही हमने खाना फिनिश कर लिया था, ऐसा आप कहते हो, है ना. सो पास्ट में कोई एक्शन हुई उससे पहले एक एक्शन ऑलरेडी हो गई थी, वो शो करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है. हैड प्लेड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब्स है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेल हैव प्लेड द गेम लॉन्ग बिफोर 7 o'clock. यानी 7 बजे तक हम गेम है, हम लोगों ने गेम है वो खेल ली होगी, है ना. फ्यूचर में कोई एक्शन इतने टाइम में आपने खत्म कर लिया होगा, है ना. परफेक्ट यानी क्या होता है? फिनिश करना, कंप्लीट कर लेना. कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट हो गया हो, चाहे वो पास्ट में हुआ हो, चाहे वो अभी अभी जस्ट प्रेजेंट में हुआ हो, या फ्यूचर में किसी टाइम पे कोई एक्शन फिनिश होने वाला हो, तब हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस. पास्ट में कोई एक्शन फिनिश हो गया हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी अभी हुआ हो, प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन फिनिश हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में किसी टाइम पे एक्शन खत्म हो चुका होगा वो इंडिकेट करने के लिए वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ओके, जैसे कि
फ्यूचर में हम बताएं, एग्जांपल ले तो मेरी फ्रेंड है वो कल खेलने आएगी, तब तक मैंने अपना होमवर्क कर लिया होगा, है ना। तो ये जो हुआ वो अभी तक हुआ भी नहीं है, अभी अभी भी नहीं हुआ है, पास्ट में वो भी नहीं गया है। आपकी जब फ्रेंड खेलने आएगी तब वो हो चुका होगा, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन कुछ होगा, उससे पहले कोई एक्शन फिनिश हो गया होगा, ऐसा सो करता है। ओके, तो ये एग्जांपल से वो लिख लो, फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले इस डेफिनेशन हम देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या करेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, तो अ वर्ब दैट सोल्ड बाद में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।
टेंस इसको बोलेंगे। तो पास्ट में कोई एक्शन हुई, इससे पहले ही दूसरी एक्शन है वो कंप्लीट हो गई थी। ओके, तो अ वर्ब दैट सर्व्स दैट an action had been finished before
फ्रैक्टेंस, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन होगी, उससे पहले कोई एक्शन फिनिश कर लिया होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो अ वर्ब दैट शोज दैट द एक्शन will have an action, the action will be finished. Okay, will be finished before another action. In the future is said to be in future perfect tense. यहाँ पे हम एग्जांपल देखिए, तो फ्यूचर में कोई एक्शन होने से पहले ही कोई एक्शन है वो फिनिश हो गई होगी, जैसे कि वी सेल, वी के साथ क्या आएगा, सेल, वी शेल हैव गोन आउट बिफोर दे विल come to our home. Okay, तो before they will come to our home, यानी कि वो हमारे घर पे आएंगे, उससे पहले we should have gone out, हम बाहर निकल चुके होंगे, है ना, वो आएंगे उससे पहले हम निकल चुके होंगे, तो एक एक्शन होगी, उससे पहले एक एक्शन है वो फिनिश हो गई होगी, कि आपके घर पे कोई आने वाला होगा तो वो आएंगे, उससे पहले ही आप कहीं दूसरी जगह पे जाने के लिए निकल चुके होंगे, ऐसा शो करता है, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस में तीनों के, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उस तीनों के परफेक्ट टेंस हमने लर्न किए। ओके, इसके वर्ब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे कि कौन से टेंस में कौन से वर्ब आएंगे। ओके, तो अभी हमने एग्जांपल्स में तो देखा ही कि वर्ब में प्रेजेंट टेंस के, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब में हैव, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल हैव पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे वर्ब्स, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा वर्ब्स है वो लर्न करने में, एग्जांपल के साथ लर्न करेंगे, आपने जो जो लिखा है वो फिर से रिवाइज करते रहना, जिससे आपको क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो डू प्रैक्टिस एट योर होम एंड लर्न एंड रिवाइज। ओके, राइट इट इन योर नोटबुक। थैंक यू।